दोस्तों ये बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए, रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक शेयर बटन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके शेयर कर दीजिए। हाय दोस्तों, स्वागत है आपको ऑनलाइन इंडिया जॉब चैनल में। दोस्तों अगर आप अपना मोबाइल को अपडेट करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से आप अपना मोबाइल को अपडेट कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कैसे आप अपना मोबाइल को अपडेट कर सकते हो बिना कोई भी कंप्यूटर सेंटर जाके। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि दोस्तों आप इस वीडियो को देख ही रहे हो और यहाँ सबके के लाइक बटन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे है, नीचे आने के बाद यहाँ सबको कुछ कमेंट करने का ऑप्शन आता है, जो भी आपके माइंड में है वीडियो के बारे में तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए, या फिर आप और कुछ सीखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताए। ठीक है दोस्तों, देन आपको करना क्या होगा दोस्तों, अपडेट करने के लिए अपना मोबाइल को दोस्तों कोई भी मोबाइल हो, जैसे कि मेरे पास ये है रेडमी मोबाइल, रेडमी नोट 3 है तो MI का। अगर आपके पास कोई और कंपनी है तो अपडेट सेम होता है, अपडेट में कोई अलग प्रोसीजर नहीं होता है, सेम प्रोसीजर होता है चाहे कोई भी कंपनी का अपडेट हो। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा ना, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है अबाउट फ़ोन में, यहाँ पे देखिए मेरे सामने है अबाउट फ़ोन, तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है सिस्टम अपडेट, हो सकता है आपका नीचे दिखाई दे, ऐसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको देखना है सिस्टम अपडेट को, तो सिस्टम अपडेट में क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपको सिस्टम अपडेट में यहाँ पर अपडेट दिखाई पूरा नीचे देखिए, और यहाँ से आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी फीचर है जो न्यू आया है, तो इसके बारे में आपको अपडेट करोगे तो ये फीचर्स आपको मिल जाएगा आपका मोबाइल में, गेम सेंटर, म्यूजिक, जो भी आपको न्यू है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपडेट नीचे लिखा होगा आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डाउनलोड करने के लिए, तो आपको डाउनलोड में क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप डाउनलोड में क्लिक करोगे यहाँ पे ये धीरे धीरे डाउनलोड होने लगेगा, आपकी अगर इंटरनेट स्पीड हो तो जल्दी हो जाएगा, इससे कोई ये नहीं है। तो जैसे 100% होता है तो ये बोलेगा कि आपके मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए, यानी कि रीसेट करने के लिए। दोस्तों ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ को ध्यान देना, आपके मोबाइल कम से कम 30% से ज्यादा चार्ज रहना चाहिए आपके मोबाइल में। ठीक है, बस ये सिंपल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों डाउनलोड होने लगा है नीचे, तो जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा मेरा जो फोन है अपडेट हो जाएगा, 1% हो गया, धीरे धीरे 100% हो जाएगा, धीरे डाउनलोड कंप्लीट होगा तो मेरा मोबाइल है अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप कोई भी मोबाइल हो, आप उसको आप अपने मोबाइल को बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। तो दोस्तों आपको अपने कीमती समय दे के हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।